नमस्ते दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पतंजलि के गिलोय घनवटी और गिलोय जूस की। इन दोनों का कंटेंट एक ही है, वो है अमृता यानी गिलोय। इसीलिए हम इन दोनों प्रोडक्ट्स को इस एक ही वीडियो में कवर करेंगे। तो इस वीडियो में हम पहले गिलोय की खासियतों के बारे में बात करेंगे, साथ में जानेंगे कि इसे किस बीमारी में लिया जाता है और आगे जानेंगे कि क्या फैक्ट्री मेड पैक्ड गिलोय जूस को रोज़ सुबह लेना सेहत के लिए सच में अच्छा है। तो पूरी और सही जानकारी के लिए आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखते रहें। तो बात करते हैं गिलोय की। गिलोय यानी अमृता एक लता यानी बेल के रूप में उगने वाली बहुउपयोगी वनस्पति है, जो ज्वरहर यानी बुखार को ठीक करने में बहुत उपयोगी है। इसके अलावा ये वात रक्त यानी गाउट, जिसे बोलचाल की भाषा में गाठिया वात कहा जाता है, उस पर भी काफ़ी अच्छा काम करती है। रूमाटॉइड आर्थराइटिस, जिसे आम वात कहा जाता है, उसकी प्राथमिक अवस्था में ये वनस्पति काफ़ी फायदेमंद देखी गई है। ये वनस्पति एक उत्तम रसायन है। रसायन यानी शरीर में नए और हेल्थी सेल्स को प्रोड्यूस करने के लिए बहुत कारगर है। ये उष्ण वीर्य होने के कारण कफ और वात शामक है और मधुर विपाक और तिक्त यानी कड़वे रस से ये पित्त शामक है। इस तरह से ये वनस्पति तीनों दोषों पर काम करती है, यानी ये त्रिदोष शामक है और युक्तिपूर्वक किसी भी बीमारी में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ये बल और अग्नि को यानी भूख को बढ़ाती है और इसमें इम्यूनिटी बूस्टर और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज काफ़ी अच्छी मात्रा में मौजूद है। तो बात करते हैं पतंजलि के गिलोय घनवटी की। किसी भी औषधि का घन तब बनता है जब उसके क्वाथ को यानी काढ़े को पुनः पुनः उबालकर उसे गाढ़ा कर दिया जाता है। ऐसी घनवटी में जो बीमारी पे काम करने वाली ताकत यानी शक्ति होती है, वो सामान्य औषधि चूर्ण से बहुत ज़्यादा होती है और इस प्रक्रिया से औषधि का शेल्फ लाइफ भी काफ़ी बढ़ जाता है। लेकिन पतंजलि के इस टैबलेट के पैक में नाम के अलावा ये कहीं भी मेंशन नहीं है कि इसे घन प्रक्रिया से यानी रस को उबाल उबाल कर बनाया हुआ है, बल्कि इसके कॉम्पोजिशन में लिखा है टीनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया स्टेम पाउडर, यानी मेरे हिसाब से ये गिलोय चूर्णवटी है। लेकिन हम यहाँ वही बात करेंगे जो पैक पे लिखा हुआ है। पतंजलि गिलोय घनवटी की प्रत्येक गोली 578 मिलीग्राम की है, जिसमें 500 मिलीग्राम गिलोय पाउडर मौजूद है, बाकी 78 मिलीग्राम बाइंडिंग एजेंट और प्रिजर्वेटिव्स हैं, जैसे MCC यानी माइक्रो क्रिस्टल सेलुलोज, मैग्नीशियम स्टीरेट, एरोसिल, टेलकम और HPMC यानी हाइड्रोक्सी प्रोपेल मिथाइल सेलुलोज। अब बात करते हैं पतंजलि गिलोय स्वरस की। तो किसी भी वनस्पति द्रव्य को कूट कूट कर उससे जो रस निकलता है, उसे आयुर्वेद की परिभाषा में स्वरस कहा जाता है। इस स्वरस के हर 10 ml मात्रा में 9.6 मिलीलीटर गिलोय का रस है, बाकी साइट्रिक एसिड, सोडियम बेंजोनेट, पोटेशियम सॉर्बेट और इसमें फ्लेवर भी मिला हुआ है। गिलोय का जो नेचुरल स्वाद आता है वो बेहद ही कड़वा होता है और उसे नेचुरल फॉर्म में लेना सभी के लिए इतना आसान नहीं होता। तो बात आती है कि घनवटी का उपयोग कब करें और स्वरस का उपयोग कब करें। तो इसके लिए कोई भी स्पष्ट निर्देश नहीं है। जिनको इस जूस का कड़वा स्वाद पसंद नहीं है या जिन्हें जूस लेने के बाद उल्टी हो जाती है, उनके लिए घनवटी लेना अच्छा है। जो लोग बुखार से पीड़ित हैं, वो लोग एक साथ गिलोय स्वरस और टैबलेट भी ले सकते हैं। इसे लेने के बाद वायरल फीवर में काफ़ी आराम देखा जाता है। गाठिया वात में इसके लगातार सेवन से दर्द और सूजन कम होती है, लेकिन गाठिया वात में इसके साथ और भी आयुर्वेदिक औषधि लेनी पड़ सकती है। लेकिन रूमाटॉइड आर्थराइटिस में पतंजलि के इस घनवटी से और स्वरस से कुछ खास खाम नहीं देखा जाता, यानी उससे पेन कम नहीं होता। जो लोग बार बार बीमार पड़ते हैं या सीजनल चेंजेस के बाद जिन्हें तकलीफ होती है, वो लोग इसके टैबलेट और स्वरस को ले सकते हैं। चिकनगुनिया या डेंगू फीवर के बाद जो हड्डियों में और जोड़ों में दर्द होता है, उस पर ये दोनों काफ़ी फायदेमंद देखे गए हैं। रसायन होने के कारण ये प्रोडक्ट्स बालों, त्वचा और शारीरिक ताकत के लिए भी लिए जा सकते हैं, लेकिन गर्भवती महिलाएं इसे लेने से बचें, और लेना ही है तो अपने डॉक्टर की सलाह के बाद ही लें। तो इसके डोज की बात करें तो घनवटी की एक टैबलेट सुबह और शाम को
और 15 से 20 ml स्वरज कुछ खाने के बाद लिया जाता है। अब ये दोनों कब तक लेने हैं ये बात डिपेंड है कि आप इन्हें क्यों ले रहे हैं। वैसे आपको स्वरज लेना है तो आप उसमें पानी मिला सकते हैं। दोस्तों, माना कि गिलोय एक बहुत अद्भुत वनस्पति है, लेकिन बिना वजह इसका सेवन नहीं करना चाहिए, खासकर तब जब इसमें प्रिजर्वेटिव्स मिलाए हुए हो। ऐसा करने से पेट की समस्या देखी जाती है, इसीलिए बिना वजह इसका पैक जूस रोज ना लें। तो दोस्तों, ये थी जानकारी पतंजलि के गिलोय घनवटी और स्वरस की। आपको इसके बारे में और कुछ जानना है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर ज़रूर चेक करें, वहाँ से आपको इसकी सभी एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो हम ये आशा करते हैं कि इस वीडियो से आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। इस वीडियो को आप ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करें। हम बहुत ही जल्दी एक ऐसी ही नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ फिर से लौटेंगे। तब तक के लिए टेक केयर।